मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा है दैट मेरे अंदर का पागल बच्चा हमेशा जिंदा रहेगा. आई नीड टू ग्रो अप, आई नीड टू सी द मिरर फॉर व्हाट इट इज. दिस लाउड ओवर द टॉप फेक नहीं बनना. हमें पता नहीं कौन सी फिल्में चलेंगी, हमें पता नहीं है कि एक लड़का आप में क्या पसंद करेगा. क्योंकि मैं नॉकडाउन जॉब करती हूँ, क्योंकि मैं नमस्ते दर्शकों करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी शायरियाँ करती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग नहीं समझ सकते कि ये मैं भी हूँ. गैसलाइट में एक लाइन मैं पढ़ रही थी तुम्हारे अभी इंस्टाग्राम में भी बैठ करके, शक के घेरे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, आखिर खूनी कौन है. एक बड़ा सवाल होता है दैट हु इज द किलर, पर बीच बीच में वो जो थोड़े थोड़े यू नो सब प्लॉट्स और ट्विस्ट आते हैं वो बहुत एक्साइटिंग होता है. ये नहीं 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 ये हाँ. नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, ये सही है लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी सही है उससे और बढ़कर प्रॉब्लम है, तो दैट्स ऑलवेज एक्साइटिंग. मैं कहीं और पढ़ रही थी कि डायरेक्टर ने कहा था कि आप और चित्रांगदा बात मत करो. हाँ, ये नहीं चाहिए कैमरा दी भैया. राइट, ये बात सही है, ये बात सही है डेफिनेटली. क्योंकि आई थिंक ऐसी फिल्म है जहाँ टेंशन बहुत जरूरी था, तो वो चाहते थे कि हम वो टेंशन बरकरार रखें, बट अल्टीमेटली यू नो वो एक दिन उन्होंने शायद बोल दिया कि उस सीन के लिए बहुत जरूरी था. बट एज एक्टर्स एंड द मोर आई एम वर्किंग द मोर आई एम रियलाइजिंग कि हमारी कल्पना का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक खूनी का किरदार करो तो आप किसी का खून कर लो, या अगर आप के पैरों में प्रॉब्लम है या आप व्हील चेयर पर हो तो आप वाकई व्हील चेयर पे हो जाओ. ये सब हो नहीं सकता, यू नो. और जितनी मेरी आशाएं अपनी करियर को लेकर, जितनी मैं एम्बिशियस हूँ, जितनी अलग अलग प्रकार की फिल्में मैं करना चाहती हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं अपने रियल लाइफ को मानकर या सारा को एक्चुअली उन परिस्थितियों में डालकर अपना काम कर पाऊँ. तो आई थिंक द कल्टिवेशन ऑफ द इमेजिनेशन, अपनी जो कल्पना को कल्टिवेट करना होता है, वो एक एक्सरसाइज में घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाल ही में मैं होमी सर के साथ शूट कर रही हूँ जिसमें पंकज सर भी हैं, एंड ही इज एन एक्टर आई रियली लुक अप टू. और उन्होंने मुझे बोला है बहुत बार और मुझे अभी ये बात ज़्यादा समझ आ रही है दैट यू हैव टू यूज़ योर इमेजिनेशन. तो ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप सैड हो आपको वाकई सैड होना पड़े. वो एक ऑन एंड ऑफ स्विच जो होता है ना, इट्स वेरी हेल्पफुल एज एन एक्टर आई थिंक. But I think Kedarnath was also not very easy no. for you. I mean, it was not easy. It was not easy. But Kedarnath and Simba taught me a lot. But I think the bigger learnings honestly came from Love Aajkal and Cooley. Because jab aap khud, baki sab to ultimately, you know, I don't mean to take it for granted. But I'm a good person. So even if it's the media, when I met the media after Cooley's release, ek saal se zyada ka gap tha. और जब मैं मीडिया से मिली अतरंगी रे के वक्त, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया. आई वाज लाइक यार मैंने तो दो फिल्में बैक टू बैक बिल्कुल सही काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी मीडिया, ऑडियंसेस, सोशल मीडिया, हर जगह प्यार मिलता गया. यू गेट दैट लव, आई गेट दैट लव रिगार्डलेस, एंड आई एम सो लकी एंड सो प्रिविलेज्ड एंड सो थैंकफुल फॉर दैट लव. But the truth is that I still will go on and watch Love Aajkal. I'll still watch Cooley and I'll still not be proud. So the bigger learning was I need to grow up. I need to see the mirror for what it is. This loud, over the top, fake, nahi banna mujhe. Wo kaun si baat hai, Sara, which keeps you like going? What is that one thing when you sit alone? Dekho, aap hamesha itne sare logon ke beech mein gire rehte ho. Lekin jab aap akele hote ho, what is that thing which मैं आपको सच बताऊं तो the truth is that beginning में मुझे बहुत जल्दी प्यार मिल गया था for being myself, and तब से ही मैंने decide कर लिया था that I'll be myself only. फिर बीच में क्या हो गया था कि मैं ज़्यादा अवेयर हो गई थी कि लोगों को मेरा बिंदास नेचर अच्छा लगता है, लोगों को मेरे जोक्स अच्छे लगते हैं, तो कभी कभार मैंने उसको ओवरडू करना शुरू कर दिया. अब मेरी कोशिश यही है ना कि मैं अज्यूम नहीं करूंगी वेदर इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप, वेदर यू आर माई फ्रेंड, वेदर यू आर माई फादर, यू आर माई मदर, यू आर माई ऑडियंस, यू आर माई को एक्टर. मुझे अज्यूम नहीं करना है कि आपको मुझे कैसे देखना है, मुझे बस जेन्युइनली ट्रू रहना है. बिकॉज इन टूडेज डे एंड एज आई रियली थिंक मोर नाउ देन एवर, हमें पता नहीं कौन सी फिल्में चलेंगी, हमें पता नहीं है कि एक लड़का आप में क्या पसंद करेगा, हमें पता नहीं है आपके दोस्तों को आपके अंदर की क्या बात अच्छी लगेगी. तो
तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कि अच्छा आपको मेरा सलवार कमीज अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ सलवार कमीज पहनूंगी, या अच्छा मैं बिकिनी में पसंद हूं तो मैं सिर्फ बिकिनी पहनूंगी, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट लेट मी जस्ट बी हु आई एम, एंड इफ यू लव मी ग्रेट एंड इफ यू डोंट दैट्स ओके. गैसलाइट का एक और एस्पेक्ट जो मैं आपकी बड़ी अम्मा के साथ आपका वो भी मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैंने देखा 2-3 बार. सो क्या इंस्पिरेशन उनसे आप ड्रॉ करते हो? बिकॉज इसी महीने मुझे लगता है आपकी पूरी फैमिली को मैंने इंटरव्यू कर लिया. मैंने शर्मिला जी को किया, मैंने सैफ को किया, मैंने करीना को किया फॉर ऑडिबल्स आई इंटरव्यू देम एंड नाउ यू. सो गैसलाइट को लेकर के उनकी क्या सोच है, और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं उनसे आप क्या इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो. मुझे लगता है कि इन द फेस ऑफ एवरीथिंग माई ग्रैंड मदर इज अ वेरी डिग्निफाइड डिसेंट वेरी ग्रेसफुल पर्सन, यू नो. और मैं अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि कहीं ना मुझे अपने अंदर विदाउट ट्राइंग टू एज माई सेल्फ मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा है दैट मेरे अंदर का पागल बच्चा हमेशा जिंदा रहेगा. वो तो हमेशा ही होगा और होना भी चाहिए. But I think I'm learning that there is a need for conducting yourself with a certain amount of dignity. Because if I can be honest with you, मुझे क्या लगता है ना कि कहीं ना कहीं क्योंकि मैं नॉक टॉक जोक करती हूँ, क्योंकि मैं नमस्ते दर्शकों करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी शायरियाँ करती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग नहीं समझ सकते कि ये मैं भी हूँ. लोगों को लगने लगता है कि मैं ये ही हूँ. और उसका अंतर ना बहुत You have to be very bright to be able to catch that difference, and I don't think everybody does. ये बात आनंद जी बहुत जल्दी समझ गए थे. उन्होंने कहा कि जितनी पागल है उतना ही मासूम उसका दिल है. It's not just about intellect, ma'am. It's also the fact that I have emotions. I have depth. I can मतलब मेरे अंदर भी गंभीरता है, मेरे अंदर भी गहराई है. उसका मतलब लेकिन अगर मैं हंस खेल ली उसका मतलब ये नहीं है that I don't have feelings. So I think that now it's become very important for me to draw the line. बहुत बार interviews में अगर मेरा मन करे किसी ने बोला शायरी कर लो तो मैं कर लेती हूँ. लेकिन आजकल जब नहीं करता ना मन, क्योंकि जब मन करता है तो ठीक है. It's important to draw the line and say, you know what, that's not my job. If I feel it organically, I'll do it. But I'm here to talk about work. And sometimes it's important to segregate work and play. And that's something that I learned from my grandmother. थैंक यू सारा. और मेरा मन तो सच में सारा का सारा के साथ मन नहीं भरेगा, बिकॉज आई रियली रियली फील दैट यू नो बहुत कुछ है आपके अंदर जो एक्सप्लोर करना है और करेंगे. बस आप लोग मुझे मौके देते रहो, दर्शकों मुझे प्यार देते रहो, और बस मैं कोशिश करती रहूंगी. अंदर दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.